अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के हुक्म करम और फजल के साथ। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, आप सबकी जो भी मुश्किलें और परेशानियां हैं उनको आसान फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जी यहाँ बन रहा है मिंट मार्गरीटा, जो अक्सर मेरी वीडियोस में आप देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को स्टार्ट से देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि हमारे घर अक्सर ये मिंट मार्गरीटा बनता है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को ये पसंद है। वैसे भी इधर आजकल गर्मी है, अजीब सा मौसम है, हबस वाला ना, तो दिल करता है कि कुछ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक ऐसा कुछ पिया जाए। तो बस जी यहाँ पर ये बन रहा है और ये आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। वैसे उनको कोई कुकिंग का शौक़ नहीं है, ना ही वो ऐसे किचन में कभी कुकिंग करते हैं, लेकिन ये है कि कभी कुछ ऐसा ड्रिंक बनाना हो तो वो ज़रूर फिर कहते हैं कि अच्छा चलो आज मैं बनाता हूँ, और मेरे से ज़्यादा मज़े का वो बनाते हैं। और हमेशा की तरह मैं अपना अलग से गिलास, मुझे अच्छा लगता है इसमें पीना, तो मैं फिर इसको संभाल के रखा होता है, जब बस यूज़ कर लिया फिर इसको दोबारा वॉश करके मैं रख देती हूँ। अच्छा जी ये था जी रात का क्लिप, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की जो आज की सारी रूटीन है, जो दिन भर सारे काम किए वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी सुबह का टाइम है 9-10 बजे का, हमारे यहाँ पर इस एरिया में सिर्फ सुबह 9-10 बजे धूप आती है, उसके बाद जी छांव रहती है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है कि इस एरिया में नहीं बैठा जा सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग के एसी हैं सारे जो इधर लगे हुए हैं उन सब की बैक है हमारे इस सहन में, और जब एसी ऐसे चलते हैं तो उनकी हीट सारी इधर आती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है ये सारा आजकल पूरा टाइम हीट अप रहता है और यहाँ पर नहीं बैठा जा सकता। एक दो दालें ख़त्म हुई हुई थी, और ऐसे ज़ीरा सूखा धनिया कुछ ना, दालचीनी वगैरह इस तरह सारी चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी रह गई थी, तो हम पैकेट वाला यूज़ नहीं करते, हम ऐसे खुला लाते हैं, किलो के हिसाब से अच्छा और सही मिल जाता है, रेट भी मुनासिब होता है, और वहीं से ये एक हलीम मिक्स का पैकेट लेकर आए हैं हम। इसमें सारी दालें हैं जो हलीम बनाने में यूज़ होती हैं, इसमें बस चावल नहीं है, बाकी गंदम दालें सब हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है पैकेट, अगर किसी को नहीं पता तो ये यास्मीन स्टोर से मिल जाएगा जो अजीज़िया में है। इंशाल्लाह अब किसी दिन हलीम बनाऊंगी तो आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और यहाँ पर जी ये ज़ीरा साफ़ हो रहा है, वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको साफ़ करने में, ऑलमोस्ट ही साफ ही होता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बस उसको देखना होता है और फिर इसको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रख देंगे। और जी यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए फ्रूट चाट, इसमें एप्पल है और बनाना है, जो भी फ्रूट दिल करे जो भी हो घर में बस मैं वो फिर ले लेती हूँ। दोपहर में कोई लंच वगैरह हमारे घर नहीं करता, दोपहर के खाने का इतना कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता, बस लाइट सा ऐसे ही खा लेते हैं सब। ऐसे ये होता है कि ज़रा फ्रूट भी खा हो जाता है, और अगर अलग से खाओ सिर्फ एप्पल लेकर या बनाना लेकर तो वो मेरे से तो नहीं खा होता, तो मैं थोड़ा बस इसको थोड़ा टेस्टी बना लेती हूँ ताकि खा भी हो जाए। मैं ख़ुद को ये चैलेंज किया था कि मैं डेली 15 दिन वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रात भी जागना पड़े, मुझे ये काम करना है, और ये चैलेंज जो है इसको पूरा करना है, डेली 15 दिन वीडियो अपलोड करनी है। 11 दिन डेली मैंने वीडियो अपलोड की, लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ कि जी मेरी आँखों में भी दर्द और मेरे सर में भी दर्द इतनी शदीद कि अगर पेन किलर भी मैंने खाई है तो मुझे आराम नहीं आया। तो मैं समझती थी कि शायद ऐसे मैंने किचन में काम किया है और फिर एकदम पंखे के नीचे चली गई हूँ, तो इस वजह से थोड़ा हवा लग गई है, इस वजह से मेरे सर में भी दर्द है। तो ऐसे ही मैं अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसे मैंने ऐसे बताया, तो वो मुझे कहती कि अपनी आई साइट चेक करवाओ, तुम्हारी ना आई साइट का मसला होगा, जो अगर पेन किलर खाने से भी सर दर्द ठीक नहीं हो रहा। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसको मैंने कहा कि मेरे साथ चलो अगर टाइम है तो मैं अपनी आई साइट चेक करवा के आती हूँ।
तो वो मेरे साथ चली गई। ये मेरी फ्रेंड बैठी हुई है मेरे पास। मुझे ऐसे हॉस्पिटल्स में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ रश ज़्यादा हो वीडियो बनाना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं वहाँ पर फिर ऐसे वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती कि किसी और को मेरे वीडियो में लेकर आऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हर एक की अपनी प्राइवेसी है, जैसे मैं अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखती हूँ इसी तरह दूसरों के भी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा क्लिप है जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया है कि मैं हॉस्पिटल गई थी अपनी आई साइट चेक करवाने। डॉक्टर के पास से तो मगरिब से पहले ही हम लोग फ्री हो गए थे और इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन फिर भी वेट करना पड़ा अपने नंबर का। और जब हम लोग ये ड्रॉप्स लेकर निकले तो अज़ान स्टार्ट हो गई थी मगरिब की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से घर पहुंच के घर आकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। ये ड्रॉप्स लिख के दिए डॉक्टर ने कि ये दिन में 3 दफ़ा अपने आँखों में डालने हैं, और यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते कि सुबह दोपहर शाम, बस लाइंस लगा देते हैं। अगर 3 टाइम्स हैं तो 3 लाइंस लगा देते हैं, और अगर जैसे 2 टाइम्स लेनी है अपने मेडिसिन या ड्रॉप्स डालने हैं तो सिर्फ 2 लाइंस लगा देंगे। और जी ये मेरी आईसाइट का नंबर है -1। बहुत माइनर सी है, लेकिन अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि थोड़ा सा भी अगर कमी बेशी होती है, 19-20 का भी फ़र्क आता है तो इंसान को पता लग जाता है, इंसान कंफर्टेबल नहीं फील करता। और जी रात में हमने बनाया था ये देसी चिकन और साथ बीच में आलू डाल दिए थे। और खाना खाने के बाद जी हम निकले हैं थोड़ी देर बाहर। ये इंडिपेंडेंस डे आ रहा है सऊदी अरब का, यौमुल वतनी जिसे कहते हैं, तो ये पूरी बिल्डिंग में ग्रीन लाइट्स लगाई हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोग निकले थे जी बाहर, थोड़ा काम था मेरे हस्बैंड को, ऑफिस का ही उनका कोई काम था, तो कहते कि चलो आ जाओ, अगर जाना है तो फिर हम भी साथ चले गए साउथ मॉल। नहीं, वो बाबा अपना फोन साथ लेके गए हैं। लेके गया? क्यों लेके गए थे मामा? वैसे ही मुझे क्यों लेके गए थे? वो कॉल करनी थी अंकल ने, इसलिए। और जी अब हम जा रहे हैं घर वापस। हम तो बस गाड़ी में बैठे रहे, हस्बैंड का जो काम था बस वो करके आ गए वापस। किसी आदमी को मिलना था 10-15 मिनट का, जो उनका काम था बस वो हो गया। अब हम घर वापस जा रहे हैं। और जो पूछते हैं जी आपके हस्बैंड का नाम क्या है, तो जी मेरे हस्बैंड का नाम हसन है। और बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।